उत्तराखंड के हल्द्वानी की जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 44 कैदी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए, जिनमें एक महिला भी शामिल है। हल्द्वानी की जेल में एक महिला समेत 44 कैदियों के एचआईवी पॉजिटिव मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जेल में एचआईवी पॉजिटिव पाए गए 44 कैदियों का हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर परमजीत सिंह ने ये पूरा मामला बताया है, साथ ही ये भी जानकारी दी है कि अब पीड़ित मरीजों के साथ आगे क्या होगा। हमारे एआरटी सेंटर से जो टीम है वो महीने में दो बार वहाँ पे जाती है, हमारे काउंसलर जाते हैं, लैब टेक्नीशियन जाते हैं जो वहाँ पे कैदियों को स्क्रीनिंग करते हैं, जो पॉजिटिव आते हैं उनको वहीं पे समुचित इलाज और काउंसलिंग की जाती है उनकी। तो हमारा एक रूटीन प्रोसेस है, वहाँ जो जिस मरीज को भर्ती होने की जरूरत है उसको वहाँ के जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर हैं वो रेफर करते हैं, उनको यहाँ एडमिट करके उनका इलाज किया जाता है। रूटीनली वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है, ट्रीटमेंट उनका वहीं पे स्टार्ट कर दिया जाता है, जेल के अंदर ही टीम यहाँ से जाती है हमारे पास एआरटी सेंटर से। जितना वो आया है संज्ञान में कि 44 कैदी पॉजिटिव आए हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। सर ये कैसे फैलता है? ये हो सकता है कि वो पहले से पॉजिटिव रहे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैल सकता है, कोई सिरिंज के थ्रू भी फैल सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता है। अब ये कैदी कब से एडमिट है क्या है ये तो अब जेल अथॉरिटी से ही पता चलेगा। क्या इनको स्पेशलिटी दी जा रही है यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए? ट्रीटमेंट एआरटी के अंदर गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू जो नेको की गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग इसको ट्रीटमेंट किया जाता है, उनकी टेस्टिंग की जाती है, कितना वायरल लोड है, कितनी CD4 काउंट है, क्या इन्फेक्शन है उनको, उसके अकॉर्डिंग इनको ट्रीट किया जाता है। इसके बाद जेल में और भी टेस्टिंग होंगी? हाँ, जेल में जो है जिसको भी उनको वो लगता है तो उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कैदियों के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने के बाद जेल प्रशासन अब बाकी कैदियों की भी रूटीन जांच करा रहा है, लेकिन इतने कैदियों के एचआईवी एड्स संक्रमित मिलने पर जेल प्रशासन की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं और जेल प्रशासन इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचता दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए जी मीडिया।